Assalamu alaikum students, how are you? Today we are going to do question number 4, 5 and 7 of exercise number 3A. Question number 4 or 5 जो है वो हम book पर ही करेंगे और question number 7 जो है वो book के साथ साथ copy पर भी write down करेंगे. Right? चलें question number 4 start करते हैं. उसका स्टेटमेंट है सर्कल द सेट्स ऑफ लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शंस के को सर्कल करना है आपने. तो लाइक फ्रैक्शन कौन से होती हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं. तो इसका ए पार्ट देखें. इसमें 12 और 12, 3 ओवर 12 और 5 ओवर 12, इनके डिनोमिनेटर सेम है तो इनको हम सर्कल कर देंगे. सर्कल 3 ओवर 12 एंड 5 ओवर 12. बी पार्ट में इसी तरह देखें, 20 सेम है तो 9 ओवर 20 वाली फ्रैक्शन और 16 ओवर 20 वाली फ्रैक्शन को हम सर्कल कर देंगे. सी पार्ट में 15 डिनोमिनेटर सेम है तो 1 ओवर 15 को सर्कल करेंगे और साथ 6 ओवर 15 को सर्कल करेंगे. डी पार्ट में 100 जो है वो कॉमन आ रहा है, कॉमन डिनोमिनेटर आ रहा है, तो उसमें 91 ओवर 100 और 89 ओवर 100 वाली फ्रैक्शन को हम सर्कल कर देंगे. Now come to question number 5. Write whether the following pairs of fractions are like or unlike. Pair of fraction हमें दिए गए हैं और उन्हें हमें बताना है कि वो like fraction है या फिर unlike है. तो अगर तो इनके denominator same होंगे तो हम like लिख देंगे और अगर denominator same नहीं होंगे तो unlike लिखेंगे. A part देखें इसका, 3 ओवर 12 एंड 5 ओवर 12, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है ना, इसलिए इसके आगे लिखें लाइक. बी पार्ट है 10 ओवर 15, 12 ओवर 15, इनके भी डिनोमिनेटर सेम है, इनके आगे भी लाइक लिखें. सी पार्ट है 18 ओवर 20, 19 ओवर 21, इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इनके आगे लिखें अनलाइक. और डी पार्ट है 11 ओवर 20, 19 ओवर 20, इनके भी डिनोमिनेटर सेम है, इनके आगे लाइक लिखें. ई पार्ट है 6 ओवर 15, 8 ओवर 14, तो इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसलिए इनके आगे लिखेंगे अनलाइक. एफ पार्ट है 4 ओवर 9 एंड 4 ओवर 11, इनके भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इनके आगे लिखें अनलाइक. राइट, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. अब क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा गया है राइट दिस पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन सो दैट दे हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर. इन फ्रैक्शंस को दोबारा से हमने राइट डाउन करना है इस तरह से कि इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाएं. ठीक है, तो ये काम जो है वो बुक पर नहीं किया जा सकता, इसके लिए आप कॉपी रेडी करें. ठीक है, मेंशन करें उस पर डेट, डे, एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर. ठीक है, अब आ जाएं ए पार्ट की तरफ. अब इसका ए पार्ट क्या है, 2 ओवर 7, आगे बॉक्स है और फिर है 3 ओवर 10, तो इनके डिनोमिनेटर सेम करने अब आपको आते हैं. क्या करेंगे, 2 ओवर 7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे दोनों तरफ 10 से. ठीक है, और 3 ओवर 10 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, इसी तरह से. ठीक है, तो 10 2 द 20, 7 10 द 70, इधर लेफ्ट साइड पे आ गया 20 ओवर 70 और राइट साइड पे आ गया 21 ओवर 70. अब देखें डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हमें पता चल रहा है ना कि 21 वाली जो है वो ग्रेटर है, तो ये इसलिए इसमें ग्रेटर देन का सिंबल आ जाएगा. तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें 2 ओवर 7 जो है वो स्मॉलर देन है 3 ओवर 10 के. बी पार्ट इसका है 4 ओवर 11 एंड 3 ओवर 8, इनको का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ऊपर वाले 4 ओवर 11 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया और 3 ओवर 8 को हमने 11 से कर दिया. ठीक है, तो 4 8 का आ गया हमारे पास 32 ओवर 88 और राइट साइड पे आ गया 33 ओवर 88. तो इसमें कौन सी फ्रैक्शन बड़ी हो गई, 33 ओवर 88 वाली. राइट, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 4 ओवर 11 जो है इज लेस देन 3 ओवर 8. सी पार्ट पर आ जाएं, 4 ओवर 5 एंड 3 ओवर 8 में से देखते हैं कौन सी बड़ी है. तो इसके पहले डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 4 ओवर 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से और 3 ओवर 8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से.
ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे आ गया 8 4 32 over 40, और ये इधर राइट साइड पे आ गया 3 5 15 एंड 8 5 40 15 over 40। तो ये इसमें से अब 40 to 40 डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो 32 वाली फ्रैक्शन जो है वो हमारी ग्रेटर हो गई। राइट, नाउ 4 over 5 हम लिख सकते हैं इसे कि 4 over 5 जो है वो ग्रेटर है 3 over 8 से। आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 का डी पार्ट। 9 over 14 एंड 19 over 28, इनके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 9 over 14 वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 9 को, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 18 over 28। और राइट साइड पे 28 पहले से मौजूद है, 19 over 28, तो हमें पता चल गया कि 19 over 28 वाली ग्रेटर है। इस पर ग्रेटर देन का साइन लगाएं, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 9 over 14 इज़ लेस देन 19 over 28। ई पार्ट पे आ जाएं, 7 over 10 एंड 8 over 15। अब इन दोनों के ये डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 7 over 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और 8 over 15 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिनोमिनेटर 30 जो है वो सेम आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 7 3 21 over 30 और ये राइट साइड पे आ जाएगा 8 2 16 over 30। और इससे हमें पता चल रहा है कि 21 over 30 वाली साइड जो है वो बड़ी है, तो हम इसमें ग्रेटर साइन लगाएंगे। और वी कैन राइट दिस एज ऑल्सो कि 7 over 10 जो है वो ग्रेटर देन है 8 over 15 के। आगे है क्वेश्चन नंबर 7 का एफ पार्ट, 11 over 12 एंड 9 over 10। इसके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लेफ्ट साइड पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 11 5 55 over 12 5 60, 55 over 60 आ जाएगा। और राइट साइड पे आ जाएगा 9 6 54 एंड 10 6 60, 54 over 60। ठीक है, तो 54 वाला आ गया बड़ा है, तो हम इसमें ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 11 over 12 जो है वो ग्रेटर देन है 9 over 10 के। अगर ये इसका जी पार्ट है, जी पार्ट में 2 over 9 एंड 3 over 7, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2 over 9 को हम 7 से और 3 over 7 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 द 14 और 9 7 द 63। लेफ्ट साइड पे आ गया 14 over 63 और राइट साइड पे आ गया 3 into 9, 3 9 द 27 और 7 9 द 63, 27 over 63। तो 27 over 63 ये ग्रेटर हो गया ना, तो इसमें हम इसमें सिंबल लगाएंगे कौन सा, कि 14 over 63 जो है वो लेस देन है 27 over 63 से। वी कैन राइट दिस एज ऑल्सो कि 2 over 9 जो है वो लेस देन है 3 over 7 से। क्वेश्चन नंबर है 7 का एच पार्ट, 5 over 9 और 20 over 27। इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए लेफ्ट साइड वाली फ्रैक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 15 over 27 आ गया, और सर राइट साइड पे ऑलरेडी 27 है। ठीक है, तो 20 over 27 वाली साइड ग्रेटर हो गई ना, तो इसमें ग्रेटर देन का वो सिंबल लगाएंगे। और हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि 5 over 9 जो है वो लेस देन है 20 over 27 से। इट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम, कीप स्टडिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू।